हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा थी वो 24 अप्रैल से होने वाली थी, जो 24 अप्रैल से, ठीक है। लेकिन अब कुछ चेंजेस हो गया है जो मैं आप लोगों को इस न्यूज में बताने वाला हूं। अभी अभी ये न्यूज अपडेट हुआ है 1 घंटा पहले, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 पंचायत चुनाव के कारण यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के कार्यक्रम में बदलाव। 24 अप्रैल की जगह अब मई के पहले सप्ताह से होगी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा। आपको पता था 24 मई को आपको हिंदी का पेपर था, लेकिन अब आपको क्या होगा कि ये जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की, वो 24 अप्रैल की जगह अब जो है ना मई के पहले सप्ताह से होगा। यानी कि जो मई है ना आपका, मई उसकी पहले सप्ताह से आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के कारण। डिटेल में जानने के लिए आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से। देखो, उत्तर प्रदेश में जो है ना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूनी जो यूपी बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएँ टलनी तय है। पूर्ण घोषित कार्यक्रम 24 अप्रैल से शुरू होने वाली थी परीक्षा, लेकिन अब क्या होगा ना कि अब मई के पहले सप्ताह से हो सकती है। मई के पहले सप्ताह से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा हो सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर होली से ठीक पहले 27 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी हो, यहाँ मैं आपको बताता हूँ में है, ठीक है। एंड जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर 4 मई में मतदान करा सकती है, 4 मई तक, ठीक है। एंड प्रदेश में जब यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ, हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है ना 24 अप्रैल से 12 मई तक कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब क्या हुआ था कि राज्य निर्वाचन आयोग भी 4 चरण में 23 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लेने की कार्यक्रम प्रस्तावित था। मतलब जब आपका बताया गया था कि 24 अप्रैल से पेपर होगा, तो ये हो गया था ना कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएँ हैं 24 अप्रैल को होंगी और 23 अप्रैल को पूरा जो आप लोगों का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ा न्यूज़ आया है, थोड़ा हम लोग देख लो यहाँ तक, ठीक है। 23 अप्रैल तक मतदान पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसलिए आप लोगों का 24 अप्रैल से पेपर हुआ था। लेकिन अब हुआ क्या है स्टूडेंट कि आप लोगों को पेपर कब से है, यहाँ बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुका है कि आपका 24 अप्रैल से ना होकर ये बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा कब से है, आपके मई की पहली सप्ताह से, कब से है, मई के पहले सप्ताह से। तो बहुत बड़ा न्यूज़ था जो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, माई इंस्टाग्राम आईडी 720000, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग जाके फॉलो ज़रूर करना, अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।